हेलो एवरीवन, आप सबको मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आपके माता पिता हमेशा स्वस्थ रहे और आपसे बहुत सारा प्यार करते रहे। आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। हमारे डेमन प्रिंस शाहजहान और उसकी मिसिंग ब्राइड वांग ईबो की सुपर नेचुरल लव स्टोरी बाउंड टू यू के पार्ट 19 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि ईबो आखिरकार जान के साथ जाने के लिए मान जाता है और अगली सुबह वो दोनों ईबो के गांव जाने की तैयारी कर रहे थे। चलो जान, ईबो ने कहा। पर ईबो, तुम ट्रेन से क्यों जाना चाहते हो? तुम चाहो तो हम वहां पर टेलीपोर्ट कर सकते हैं, जान ने ईबो से कहा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ यात्रा का अनुभव करना चाहता हूँ, ईबो ने कहा। ईबो, क्या तुम तैयार हो? जिंगी ने वहाँ पहुँचते ही तुरंत ईबो से पूछा। हाँ जिंगी, ईबो ने कहा। मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा ईबो, कहते हुए जिंगी ने ईबो को गले लगाया। मैं भी, ईबो ने कहा। हम अब निकल रहे हैं जिंगी, ईबो जान की कार में बैठते हुए चिल्लाया। कुछ देर के ट्रैवलिंग के बाद वो स्टेशन पर पहुँच गए और वहाँ से ईबो के गाँव जाने के लिए ट्रेन पकड़ ली। जान का हाथ पकड़े हुए बैठा ईबो खिड़की से बाहर दिख रहे दृश्य का आनंद ले रहा था। इससे पहले उसने कभी भी यात्रा नहीं की थी, क्योंकि वो हमेशा ही अपने दादाजी की मदद करने में बिजी रहता था। वो बहुत ही ज़्यादा खुश और उत्सुक था। 5 घंटों की यात्रा के बाद आखिरकार वो शिनशिंग गाँव पहुँच गए। अब यहाँ से कहाँ जाए, जान ने पूछा। पता नहीं, ईबो ने कहा। मैं भी यहाँ पर पहली बार आया हूँ। अब तक तो मैंने बस दादाजी से इस गांव का नाम सुना था, इससे ज़्यादा इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता, ईबो ने कहा। हमें वो जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां पर बलि दी जाती है, जान ने कहा और वो ईबो का हाथ पकड़कर चलने लगा। ईबो वहां पर देखते हुए चलते ही जा रहा था कि एकाएक वो एक बूढ़ी औरत से जा टकराया। माफ़ कीजिए दादी, कहते हुए ईबो ने झुककर उस बूढ़ी औरत से माफ़ी मांगी। चलिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ, कहते हुए वो उसकी बिखरी हुई चीज़ें उठाने लगा। वो बूढ़ी दादी ईबो को आश्चर्य से घूर कर देख रही थी। क्या तुम हुआंग के पोते हो? उस बूढ़ी औरत ने पूछा। हाँ दादी माँ, क्या आप मेरे दादाजी को जानते हो? ईबो ने पूछा। हे भगवान, तुम अब भी जिंदा हो, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम तो बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखते हो, उस औरत ने ईबो का चेहरा अपने हथेली में लेते हुए कहा। मेरे साथ चलो, उस दादी ने कहा और वो ईबो को अपने साथ खींच कर ले गई। जान भी उनके पीछे चला गया। वो औरत जान और ईबो को एक झोपड़ी में ले गई। दादी ने उन दोनों को लकड़ी की कुर्सियों पर बैठने को कहा और वो खुद किचन में चली गई। वो ईबो और जान के लिए 2 कप ग्रीन टी लेकर आई। तुम यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हो बेटे, वैसे तुम्हारा नाम क्या है, दादी ने पूछा। तो ईबो ने जवाब दिया, मेरा नाम ईबो है, पर दादी आप मेरे दादाजी को कैसे जानते हो? ओह, हम दोनों बचपन से अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे के घर पर आया जाया करते थे। तुम्हारे पिता को भी मुझसे काफ़ी लगाव था। जब तुम्हारी माँ पेट से थी तब मैंने ही उसका ख्याल रखा था। वो सभी बहुत ज़्यादा डर गए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि तुम्हारी बलि दी जाएगी, पर तुम्हारा जन्म होने से पहले ही मुझे अपने पति के इलाज के लिए शहर जाना पड़ा। लेकिन जब मैं लौटी तो यहाँ पर कुछ भी पहले जैसा नहीं था। मैंने सुना कि गाँव वालों ने तुम्हारे दादाजी को ज़बरदस्ती की कि वो तुम्हें बलि के लिए दे दे, लेकिन तुम्हारे दादाजी तुम्हें लेकर भाग गए। जब तुम्हारे दादाजी भागे तब गाँव वाले और ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने 21 कुंवारी कन्याओं की बलि दी। उन लोगों को झुलसती आग में झोंका गया। वो नज़ारा बहुत ज़्यादा भयंकर था। दादी ईबो को अपनी आपबीती बता रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ साफ झलक रहा था।
इवो और जहान इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा सदमे में चले गए। उन्होंने सपने पे भी नहीं सोचा था कि गांव वाले ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। ये बहुत ही बुरा हुआ दादी माँ, इन लोगों को समझ कैसे नहीं आता कि वे लोग जो भी कुछ कर रहे हैं ये सब अंधविश्वास है, लोगों की गलत फहमी है, इवो बोला। बेटा, वो सब लोग राक्षस देवता से डरते हैं, उन्हें डर लगता है कि अगर वो गुस्सा हो गया तो सबको मार डालेगा। मुझे नहीं लगता कि वो किसी को मारता है, लेकिन हाँ, जिन्होंने भी उन लड़कियों के साथ गलत किया है उन्हें सजा तो ज़रूर मिलनी चाहिए, जहान ने कहा। तुम कौन हो बच्चे, दादी ने जहान से पूछा। दादी माँ, असल में ये जहान है, इबो ने कहा। तुम्हारा दोस्त है क्या, दादी ने पूछा। नहीं, मैं इसका हस्बैंड हूँ, जहान ने जवाब दिया। अरे वाह, तुमने तो शादी भी कर ली, दादी ने खुश होते हुए कहा। दादी, क्या आप मुझे बता सकती है कि यहाँ पर बलि कहाँ पर दी जाती थी, इबो ने पूछा। नहीं बेटा, तुम वहाँ पर क्यों जाना चाहते हो, दादी ने परेशान होते हुए कहा। तो इबो ने जवाब दिया, दादी माँ, हमारा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। पर क्यों बेटा, दादी ने पूछा। तो जहान ने कहा, क्योंकि हमें हमारी दुनिया में जाना है। तुम्हारी दुनिया में क्या मतलब है तुम्हारा, दादी ने पूछा। क्योंकि दादी, ये जो इंसान आपके सामने बैठा है ये डेमोन प्रिंस है, इबो ने कहा। तो दादी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, उन्हें अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हे भगवान, कहते हुए दादी ज़मीन पर बैठ गई और जहान को करने लगी। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, जहान ने कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपको अपनी आंखों से देख पाऊंगी, दादी ने कहा। दादी माँ, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, क्या आप हमें वहाँ पर ले जा सकती है, इबो ने पूछा। ज़रूर बेटा, लेकिन अगर ये तुम्हारे पति डेमोन लॉर्ड है तो इसका मतलब वो सब कहानियाँ सच्ची थी कि डेमोन लॉर्ड अपनी खोई हुई दुल्हन को ले जाने ज़रूर आएंगे, दादी ने कहा। तो इबो ने शर्माते हुए कहा, दादी मुझे दुल्हन कहना बंद कीजिए, इबो की बात पर दादी हंसती। तभी जहान ने कहा, दादी माँ, ऐसा नहीं था जैसा आप सोच रही है, हमने कभी भी आपसे बलि नहीं मांगी और ना ही कभी उसे कबूल किया, ये तो बस इबो की आत्मा थी जिसने मुझे चुना। ऐसे में उन लड़कियों को बस एक अंधविश्वास के चलते मारा गया, उन्हें ही नहीं अब तक जो भी बलि दी गई थी उनमें से किसी को भी डेमोन राज्य की तरफ से नहीं मांगा गया था। ठीक है, मैं आपको ले जाऊंगी, दादी ने कहा। कुछ देर बाद दादी उन दोनों को गांव के मंदिर में ले गई, वहां पर उसने पूजा की सारी तैयारी की। उन्हें पता था कि बलि किस प्रकार से दी जाती थी, यहां तक कि उसके मंत्र भी पता थे। इबो, तुम्हारा हाथ दो, आलिंग ने कहा। आलिंग उस दादी का नाम था। आलिंग ने विधि के लिए आग तैयार की और इबो का हाथ लेकर उस हाथ पर एक जगह चीरा बना दिया। उसने इबो के हाथ से कुछ खून की बूंदें उस आग में गिरने दी। तभी जहान ने इबो का हाथ अपने हाथ में लिया, उसके हाथ से नीली रोशनी निकलने लगी और इबो का जख्म अपने आप भर गया। आलिंग उन्हें देखकर मुस्कुराई। आग में एक नीली रोशनी का चक्र तैयार हो गया। इबो, क्या तुम तैयार हो, जहान ने कहा। किस लिए, इबो ने पूछा। हमें आग में कूदना है, जहान ने कहा। क्या, हमें आग में कूदना है, इबो ने शौक होते हुए पूछा। हाँ वाइफी, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, जहान ने कहा और इबो का हाथ टाइटली पकड़ लिया। क्या अब आप दोनों आग में कूदने के लिए तैयार हो, आलिंग ने पूछा। तो जहान ने हाँ में सर हिलाया। दादी, आप अपना और गांव का ख्याल रखिए और लोगों को ये समझाने की कोशिश कीजिए कि वो जो बलि दे रहे हैं वो बस एक अंधविश्वास है, तो उस पर ज़्यादा भरोसा ना करते हुए अपनी ज़िंदगी खुशहाली से जिए, जहान ने आलिंग से कहा। आलिंग ने इस पर हाँ में सर हिलाया और जहान और इबो को अलविदा कहा। जहान ने इबो का हाथ पकड़ लिया और वो दोनों उस आग में कूद गए। तुरंत ही वहाँ पर नीली रोशनी फैल गई और वो दोनों जहान की दुनिया में चले गए। इबो ने अपनी आँखें खोली और अपने आप को जहान के ऊपर पाया। सबसे पहले इबो ने अपने आप को चेक किया, अपना चेहरा टटोला। ओ गॉड, मैं जिंदा हूँ,
और मेरे हैंडसम फेस को भी कुछ नहीं हुआ। सोचते हुए इबो आसपास देखने लगा। जान ने भी अपनी आंखें खोली और इबो को अपने ऊपर बैठा पाया। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।